एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। शराबबंदी को लेकर छत्तीसगढ़ में बीजेपी काफी आक्रामक नजर आ रही है। दरअसल अब पूर्व मंत्री और मुंगेली से बीजेपी विधायक पुन्नूलाल मोहले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को आड़े हाथों लिया है। विधायक पुन्नूलाल ने कहा है कि सरकार ये बताए कि जिस गंगाजल को लेकर कांग्रेस ने शराबबंदी करने की कसम खाई थी, क्या वह किसी छोटी नदी घुरवा या किसी और जगह का पानी था? अगर ऐसा नहीं है तो फिर सरकार अपने वादे से पीछे क्यों हट रही है? उनके मुताबिक लॉकडाउन में शराब की बिक्री सरकार की नीयत को दर्शाती है। सरकार अपनी लोभादा को निभाए जब गंगा जल का कसम खाए हैं तो हम तो सरकार से जानना चाहते हैं को छोटे नदिया का पानी है कि कोई घुरवा का पानी है कि ये कहाँ का पानी है। अगर गंगा का कसम खाए हैं तो सरकार अपने शराबबंदी जो वादा है उसको निभाए। क्योंकि कोरोना बीमारी इतने गंभीर है, पूरे देश और विदेश में फैल गया है, तो शराब बेचना इस दुर्भाग्य में है। भोपाल में इंडियन